कोरोना काल में अपने घर वापस लौटे मजदूरों के लिए रोजगार का संकट मंडरा रहा था। इसी बीच मनरेगा के तहत मजदूरों को रोजगार से कुछ राहत मिली थी, लेकिन मनरेगा पर 3 महीने काम करने के बावजूद अभी तक मजदूरी न मिलने से मजदूरों पर रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। समस्तीपुर के रोसड़ा प्रखंड कार्यालय पर पंचगामा गाँव के दर्जनों मजदूरों ने एकजुट होकर मजदूरी देने की मांग की है। सिस्टम की मार से लगभग 200 मजदूर भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। भयानक हालात से हारे दर्जनों मजदूरों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। सर हम सब 3 महीना काम किए, 3 महीना सर काम के लिए हमरा के एक भी पैसा नहीं देलके। हमरा के बच्चा की भी तबियत खराब छे, एक भी पैसा लिए हम मर सके छे। तब जाके भूखे मर लिए, तब जाके सब एक अथी के लिए ना, तब यहाँ पर हम मनरेगा में काम के लिए तो एक भी पैसा नहीं। पैसा क्या बोल रहा है? पैसा ले हंगामा मचाएगा, वही पीड़ित मजदूरों का कहना है वो जून महीने से काम कर रहे थे, लेकिन मेहनत से काम करने के बावजूद उन्हें खून पसीने की कमाई नसीब नहीं हुई है। काम करा लिया गया है, 3 महीना होने वाला है, अभी तक मजदूरी आज बिहान कर रहा है। पैसा किसी को पैसा डालता है तो 400 रुपया उसको दे दिया जाता है और उसको पैसा निकाल के ले जाता है। निकाल के उसको जो आदमी नहीं काम करता उसी को पैसा दिया जाता है, उसी खाता पर पैसा दिया जाता है। जो हर कोई मजदूर काम कर रहा है उसको मजदूरी का पैसा नहीं मिलता है और वो यहाँ से आता है अपना मशीन ले कर पैसा निकलवा के चला जाता है। सारा पैसा बाकी है, कितने महीना? ये 3 महीना हो गया काम। कितना मजदूर का बाकी है अभी तक? लगभग 300 मजदूर ही होगा उसमें काम किया हुआ। सबको 15 दिन का बोइन छ। वो कह रहा है जो 8 दिन काम चला, कोई 10 दिन काम चला है, किसी का 17 दिन काम किया हुआ हो गया है, किसी का 15 दिन काम किया, किसी का 12 दिन है, किसी का 8 दिन है, किसी का 10 दिन है काम। जो जैसा जिसको मौका मिला वैसा गया काम में। अभी यहाँ आए तो क्या सब हुआ? यहाँ पर आए हैं उनसे राय विचार लेने के लिए, ऑफिस में क्या कहते हैं उनसे सुझाव लेने के लिए, नहीं तो कहेंगे तो और रोड जाम कर लेंगे। ये लोग नहीं सुनेंगे तो रोड जाम करेंगे। उन लोग से टाइम मांगने के लिए आए हैं, जिस टाइम पर हमको मौका दिया जाए, और नहीं कहेंगे तो रोड जाम कर देंगे, सारा ब्लॉक को भी हम जाम कर देंगे। वहीं इसका समर्थन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने किया है। समर्थन कर रहे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सुरेंद्र कुमार ने कहा, अभी तक 200 मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है। पंचगामा हरिपुर ग्राम पंचायत के पंचगामा के मजदूर हैं और लगभग जून महीना में ही वहां काम हुआ और अभी तक 200 मजदूरों को अभी तक मजदूरी की भुगतान नहीं हुई है, और जिसके चलते एकाएक ये लोग भुखमरी के कगार पर चले गए और एकाएक आज अभी पीओ साहब से अपना शिकायत करने के लिए आए हैं, लेकिन पीओ ऑफिस में पीओ साहब नहीं हैं। अभी हम देखे हैं जो एक पीओ ऑफिस के एक कोई स्टाफ आए हैं और अभी हम लोग आवेदन ये लोग जो है सो बीडीओ साहब को और उस स्टाफ को देंगे। आज लगभग 3 महीना से इन लोगों का मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ, इन लोगों के परिवार में भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है और तब मजबूर होकर ये लोग आ जाए हैं और 200 मजदूर ऐसे हैं जिनको मजदूरी की भुगतान नहीं। एक तरफ कोरोना का कहर तो दूसरी ओर रोजी रोटी का संकट, पीड़ित मजदूर दोहरी मार झेलने को मजबूर हैं। फिलहाल पीड़ित मजदूरों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए समस्तीपुर से राजकिशोर की रिपोर्ट।